समाजवादी पार्टी नेता डिंपल यादव ने महिला अपराध के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। इसके साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी पर लग रहे परिवारवाद के आरोपों का भी जवाब दिया। लोकसभा चुनाव में सपा ने यादव परिवार के कई सदस्यों को टिकट दिया है। अब इसे मुद्दा बनाकर बीजेपी समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगा रही है। अखिलेश यादव की पत्नी और सपा नेता डिंपल यादव ने कल इन आरोपों का जवाब दिया। भाजपा को अपना परिवारवाद नजर नहीं आता है, तब उनकी आंखों में पट्टी लग जाती है। और अगर क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि उनका सांसद कैसा हो, लोग वोट करते हैं, डेमोक्रेसी है ये, तो जिसको लोग चुनते हैं वही सांसद बनता है, मेरा मानना है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। डिंपल यादव खुद मैनपुरी से चुनावी मैदान में हैं। कल प्रचार के दौरान उन्होंने महिला अपराध के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा और विदेशी मीडिया के हवाले से भारत को महिलाओं के लिए असुरक्षित बताया। मैं समझती हूँ बीजेपी के नेताओं को याद करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो अपराध की घटनाएं हुई है, चाहे वो उन्नाव का इंसिडेंस हो, चाहे वो हाथरस का इंसिडेंस हो, और रोज NCRB के आंकड़े जो आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि 50% उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ जघन्य अपराध में बढ़ोतरी हुई है। 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने यूपी में 5 सीटें जीती थी। इस बार भी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना चाहेंगी। तो बिल्कुल यहां पर डिंपल यादव ने यह बड़ा बयान दिया है कि महिलाओं के लिए भारत सुरक्षित नहीं। हालांकि इस बयान के बाद तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आएगी जो हम आप तक पहुंचाएंगे।